नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में संचालित मनरेगा का सोशल ऑडिट 4 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले मनरेगा का सोशल ऑडिट 2 साल से रुका हुआ था। साल 2021 से 2022 के लिए चालू हुई योजनाओं का सोशल ऑडिट फिलहाल सूबे के 1000 पंचायतों में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सोशल ऑडिट में वैसे 1000 पंचायतों को रैंडम लिया गया है, जहां पूर्व में ऑडिट नहीं कराया जा सका है। पिछले 2 सालों में मनरेगा योजनाओं के कई तरह की अनियमितता के मामले भी सामने आए हैं। वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत आने के बाद ही सोशल ऑडिट कराने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। ये प्रक्रिया भारत सरकार के निर्देशों और मापदंडों के अनुसार किया जाना है। बता दें कि सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेशन की प्रक्रिया के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ही उनकी सामुदायिक निगरानी की जाती है, साथ ही आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों को उनके हक और अधिकार की जानकारी दी भी जाती है, ताकि वह खुद अपने हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर सके। सोशल ऑडिट से मनरेगा के कार्यों में सुधार आएगा और मजदूरों की समस्या का त्वरित समाधान भी हो सकेगा। ऑडिट से जुड़ी टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर हो। इस सोशल ऑडिट के दौरान उन योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना है जो पूरे हो गए हैं या फिर योजना में कार्य चल रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।